हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विथ माय गार्डन में। दोस्तों, आप जो ये प्लांट देख रहे हो उसे आपने ज़रूर ही आपके अगल बगल में देखा होगा, पर इस वीडियो में हम आपको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। सबसे पहले इसका परिचय भी कराएंगे और जितनी हो सके उतनी वीडियो के दौरान हम इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस प्लांट को वैज्ञानिक नाम है वो सोलनम जेंथोकार्पम है। वैसे इसे हम हमारी यहाँ कटेरी बोलते हैं, भटकटैया बोलते हैं और कटकारी भी बोलते हैं। दोस्तों, ये दो प्रकार की आती है, एक छोटी आती है एक बड़ी आती है। इसमें दोस्तों फल भी लगते हैं, फूल भी लगते हैं और साथ ही इसमें कांटे भी होते हैं। ये एक जंगली वनस्पति की तरह ज़्यादातर फैलती है और वैसे भी हम इसे घर पर ऐसे ही ग्रो नहीं करते हैं। ये वनस्पति अपने आप खुले मैदानों में, जंगल में, या तो झाड़ी वाले इलाकों में, या तो रास्ते के किनारे पर आपको ज़्यादातर ग्रो होती हुई दिखी होगी। इसके पत्ते हैं वो 3 इंच से लेकर 8 इंच तक लंबे और 1 इंच से 2 इंच तक चौड़े देखने को मिलते हैं। साथ ही इसके पत्तों में तेज़धार कांटे होते हैं। कटेरी के फूल नीले रंग के तथा फ्लावर है वो छोटे होते हैं, तब कच्चे हो तब हरे रंग के होते हैं, पकने के बाद ये पीले रंग के हो जाते हैं। ये पौधा ज़्यादातर इलाकों में भारत में देखने को मिलता है, खास करके रेतीले जो विस्तार होते हैं ऐसी जगह पर, समझ लीजिए कि बंगाल हो, पंजाब हो, असम, दक्षिण भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर पाया जाता है। वैसे कटेरी दो प्रकार की होते हैं, एक होती है वो नीली पुष्प जो नीले फूल वाले होते हैं जो अधिकतर देखा जाता है, दूसरा होता है वो श्वेत पुष्प जो सफ़ेद फूलों वाला होता है, जो एक दुर्लभ प्रजाति मानी जाती है, खास करके वो कम जगह पर देखने को मिलती है। इसके फल में इसके बीज होते हैं जो चिकने होते हैं। कटेरी एक औषधीय वनस्पति के रूप में देखी जाती है दोस्तों, जैसे कि पाचन शक्ति, पेट के रोग, दांत के रोग, कफ, वात, पीत, कृमि, सिरदर्द, पथरी, उच्च रक्तचाप, उसके अलावा कई प्रकार के रोगों में इसका उपयोग भी होता है, जो एक आयुर्वेदिक चिकित्सा का विषय मानूंगा मैं। तो ये पौधा भले ही हम घर पर ग्रो ना करें, लेकिन ये पौधा आयुर्वेदिक दृष्टि से सर्व संकटमय औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी जानकारी बहुत ही कम लोगों को होती है। इस औषधीय पौधे का उल्लेख और वर्णन आयुर्वेदिक ग्रंथों में भी मिलता है। दोस्तों, कोई भी औषधि का सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए, ताकि इससे किसी भी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि सभी प्रकार की औषधीय हमारे लिए तभी फायदेमंद होती है जब इसका सही जानकारी के साथ उचित मात्रा में सेवन किया जाए। वैसे बारिश के मौसम में अपने आप उगने वाली ये वनस्पति आपको कई जगह देखने को मिलेगी। दोस्तों, भले ही हम कटेरी, भटकटैया, कटकारी को घर पर ग्रो ना करें, पर हर एक प्लांट का एक अपना नेचर होता है। कुछ प्लांट है वो फूल देते हैं, कुछ प्लांट है वो फल देते हैं। वैसे ही इसकी भी कुछ ना कुछ मेडिसिनल या तो और प्लांट होते हैं तो उसकी कुछ वैल्यू होती है। इस तरह से हर एक प्लांट का अपना अपना नेचर होता है दोस्तों, तो इस प्लांट का भी कुछ खास नेचर है दोस्तों। तो आशा रखता हूँ कि कटेरी प्लांट के बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी मिल चुकी होगी। दोस्तों, आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़रूर ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बगल में दिए हुए बेल आइकन को दबा दीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, ऐसी कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।